हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर अभी तक हमने, जैसे कि पहले लेसन्स में स्टार्टिंग से ही देखा है कि किस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, और हम उन्हें डिफरेंट स्टेज जो हमारे सेल साइकिल का है, माइटोसिस का है, वहाँ पर किस तरीके से चेंजेस आते हैं क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमैटिन रेटिकुलम, और भी सारे जिस तरीके के चेंजेस आए वो हमने देखे। तो आज हम यहाँ पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का, वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर क्रोमोसोम का है तो उसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि ये फिब्रिलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही फाइन स्ट्रैंड्स आपके जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम के, तो वो होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही फाइन फिब्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका जो थिकनेस है बेसिकली क्रोमोसोम का, वो 2 नैनोमीटर से लेकर के 4 नैनोमीटर होता है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस आपके पुटअप हो सकते हैं, और इसके स्ट्रक्चर पे कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये फिब्रिलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही फाइन फिब्रिल लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, और ये 2 नैनोमीटर टू 4 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। अब जैसा कि आपने डीएनए में, मैंने ब्रीफ में ऐसे आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका क्रोमोसोम का जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े थे कि आपके कितने वहां पर क्या प्रोपोर्शन में क्रोमोसोम में जो मटेरियल थे वो प्रेजेंट थे, जैसा कि आपने डीएनए देखा, आरएनए देखा, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपके ट्रेसेस में प्रेजेंट थे। तो वहां पे हमने डिटेलिंग हल्की सी की थी डीएनए के बारे में। ओके, तो डीएनए के बारे में हमने क्या देखा था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रोमोसोम में डीएनए देखेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के ही अंदर हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसा कि 2 नैनोमीटर से लेकर के 4 नैनोमीटर थिकनेस है, तो आपका 2 नैनोमीटर अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं जो क्रोमोसोम में दिया हुआ है, तो आपका ये जो है ये डायमीटर होता है हमारे डीएनए का, तो 2 नैनोमीटर या फिर हम इसको 20 एंगस्ट्रॉम ही कह सकते हैं। ए जो है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट करता है एंगस्ट्रॉम, इसे एंगस्ट्रॉम ये आपका जो मेजरेबल वैल्यू होती है, और इसे एंगस्ट्रॉम ने दिया था, इस वजह से इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट ये कही जाती है। आगे हम देखेंगे, तो जैसा कि अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि 2 एंगस्ट्रॉम हमारी या फिर 2 नैनोमीटर जो है वो डीएनए का डायमीटर होता है, तो अगर आपको सिंगल फिब्रिल स्ट्रक्चर दिखता है तो वो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, डीएनए। ओके, क्योंकि डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्रोमोसोम जो है, ओके, वो 100 टाइम्स थिकर होता है देन डीएनए। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम जो है, ये सपोज ये हमारा जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है। ओके, ये तो आपको क्लियर है ये चीज, ये हमारा अगर क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम जो होगी वो थिकनेस में और साइज में डीएनए से काफी ज्यादा बड़ी होगी। ओके, अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो ये 100 टाइम्स थिकर होता है देन व्हाट, देन डीएनए। ओके, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है। अगर आप इसको देखिए, बायोलॉजी को आप रटिए मत, आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज अगर लेकर के चलेंगे, एक एक पॉइंट समझ करके चलेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे एक दूसरे से लिंक्ड है, तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ हमने देखा कि क्रोमोसोम किस तरीके से आपको थिकर होता है दैन डीएनए, बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम देखेंगे जो लेंथ होती है डीएनए की। ओके, तो यहाँ पर डीएनए जो है वो काफी कंप्रेस फॉर्म में या फिर फोल्डेड फॉर्म में हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा क्रोमोसोम का अगर जो जो भी लेंथ है उतनी ही लेंथ में डीएनए प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है डीएनए काफी ज्यादा बड़ा हो, ओके, और वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आता है, और इसी के बेसिस पे कई सारे मॉडल्स, कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने वर्क किया कि क्रोमोसोम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसमें डीएनए किस तरीके से एडजस्ट है, वहां पर कैसा जो फंक्शनिंग होता है डीएनए और क्रोमोसोम का आपस में, तो ये चीजों पर काफी रिसर्च हुआ है, स्टडी हुआ है। तो इसके बेसिस पर कि डीएनए का जो लेंथ है, ओके, वो क्रोमोसोम से करीब 100 गुना ज्यादा होता है। ओके, तो इस बेसिस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं
इसीलिए ऐसा जो आगे जो वर्क हुआ ये हुआ कि लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इन फोल्डेड मैनर, जैसा कि मैंने बताया कि फोल्डेड फॉर्म में आपका डीएनए प्रेजेंट है इन साइड द क्रोमोसोम। अब आगे हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर जो मॉडल्स आए, जो बहुत ही फेमस मॉडल जो हुआ, वो फेमस मॉडल आया क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में, वो था फोल्डेड फाइबर मॉडल। ठीक है, तो ये काफी फेमस हुआ मॉडल, लेकिन ये एसच उतना वर्क नहीं कर पाया और इसे देने वाले थे इस मॉडल को ईजे ड्यूप्रो, जो कि इन्होंने दिया था इस वर्क को करके, अपना ये मॉडल इन्होंने सामने लाया था 1965। तो ये 1965 की बात है कि ईजे ड्यूप्रो ने ये मॉडल दिया। और यहाँ पर ये मॉडल किसके बारे में था कि डीएनए जो है वो हमारे क्रोमोसोम के अंदर किस तरीके से फोल्डेड मैनर में रहता है, तो इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, वर्क किया और फाइनली फोल्डेड फाइबर मॉडल दिया। लेकिन इसके बाद इसके बाद एक और मॉडल सामने आया जो कि काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ सोसाइटी में, जो साइंटिफिक सोसाइटी है, तो वहां पर काफी ज्यादा ये लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और एक्सेप्ट किया। और ये मॉडल था हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल, सॉरी ये चल नहीं रहा है, स्केच मैं चेंज कर रही हूँ। तो आपका यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी आई, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल आया क्रोमोसोम और डीएनए का जो एडजस्टिंग आपस में जो भी नेचर कह लीजिए उसके बेसिस पर, तो न्यूक्लियोसोम मॉडल को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया इस मॉडल को। और इस मॉडल को देने वाले थे कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। तो इन सभी पर काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये आपको एंट्रेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि फोल्डेड फाइबर मॉडल किसके बारे में है या फिर इसे किसने दिया है, किस ईयर में दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है। इसलिए आप इसको देखते रहिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आगे हम देखते हैं कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने दिया इसे इन 1974 में। तो ये मॉडल न्यूक्लियोसोम मॉडल कहलाया, कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने इसे दिया। अब हम फिलहाल अब आगे देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम मॉडल जो कि एक्सेप्टेबल था काफी ज्यादा, तो एक्सेप्टेबल मीन्स वहां पर जो भी फैक्ट रहा होगा वो सच रहा होगा, क्योंकि एक्सेप्टेबल तभी कोई चीज होती है जब उसके ऊपर और भी रिसर्चेस परफॉर्म किए जाएं और जो भी चीजें हैं वो ऑथेंटिकेशन के साथ में सामने आए। तो ये चीजें यहाँ पर सही मिली और न्यूक्लियोसोम मॉडल को लोगों ने सराहा और इसको एक्सेप्ट किया। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम मॉडल जो इन्होंने बताया थॉमस एंड कॉर्नबर्ग और थॉमस ने जो बताया, तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम होता कैसा है, किस तरीके से ये मॉडल लाया गया और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि क्रोमोसोम और डीएनए किस तरीके से आपस में एडजस्ट होते हैं या एंटेंगल्ड हैं या किस तरीके का स्ट्रक्चर इनका है। ठीक है, तो हम अब न्यूक्लियोसोम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये सब यूनिट होता है क्रोमैटिन का। ठीक है, दिस इज द सब यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। और ये बना किससे होता है, ये बनता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में मिलकर के, इनके साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए के साथ में मिलकर के न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का, अगर आपसे कोई कहता है न्यूक्लियोसोम क्या है, तो सिंपली न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमैटिन का सब यूनिट होता है। ठीक है, क्रोमैटिन का हमारे सब यूनिट होता है और इसका फॉर्मेशन होता है हिस्टोन प्रोटीन्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और इनके साथ में डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कोर में होता है। ठीक है, सेंट्रल इसका पोजीशन होता है, सेंटर में होगा हिस्टोन प्रोटीन और इसको रैप अप करता है डीएनए। तो यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन ये उठता है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का यहाँ पर कितना पार्टिसिपेशन है, और ये किस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर के न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम ये चीज देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हमने यहाँ पर देखा था 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से दो दो मॉलिक्यूल्स को लेकर के, जो 5 टाइप के आपके हिस्टोन प्रोटीन्स है उनमें एक्सेप्ट H1, बाकी के ये चारों के दो दो मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच,
यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं कोर बनाने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोर फॉर्मेशन में H1 को छोड़ करके बाकी के जो चार होते हैं हमारे टाइप्स हिस्टोन प्रोटीन्स के, उनके ईच टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वहां और कोर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो डीएनए होता है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है ये देखिए। डीएनए जो है उसके अप्रॉक्स आपके 200 बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 200 बेस पेयर्स अब रैप कितना करते हैं उसको, हिस्टोन प्रोटीन कोर में है तो डीएनए उसको रैप करेगा, तो 1¾ टर्न जो है रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं डीएनए की हिस्टोन कोर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोसोम कहलाया। अब इस मॉडल को हम शो कैसे करेंगे इन आवर डायग्राम, तो ये हमारा डायग्राम है। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये मैंने कोर यहाँ पर बनाया जो कि हिस्टोन प्रोटीन है। ये हमारा डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का। ओके, तो ये जो है आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है ये कोर का दिख रहा है। कोर दैट मीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन कोर है। ठीक है, तो ये कोर हमारा जो है ये हिस्टोन है, हिस्टोन कोर है। ओके, और इसके अलावा जो इसमें आप ये ब्लैक कलर की आप यहाँ पर लाइनिंग्स देख रहे हैं, ये बल्कि कुछ और नहीं है, ये डीएनए है जिसने कि हिस्टोन को रैप अप किया है। ओके, तो ये हमारा ये डीएनए हो गया और ये हमारा हिस्टोन का ये कोर फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। और ये एक सिंगल यूनिट आपने ली जो कि आपका कोर को डीएनए ने रैप अप किया है, बाउंड किया है, ये न्यूक्लियोसोम कहलाया। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो दिस इज 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस यहाँ पर हो गई। अब हम देखेंगे H1 प्रोटीन कहाँ पर आ रहा है। H1 प्रोटीन ये आपका कोर है, ठीक है, और इसके ऊपर ये आपका डीएनए का बाउंडेशन बाउंड किया हुआ है डीएनए में। ठीक है, डीएनए रैप कर रहा है यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन को, तो यहाँ पर डीएनए की जो रैपिंग होती है वो 1¾ होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका जो हिस्टोन प्रोटीन का H1 होता है जो टाइप, वो कोर के बाहर में प्रेजेंट होता है, उसका कोर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और ये कोर के बाहर में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसलिए अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और इसे विदाउट एनी कंफ्यूजन इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आपका हो गया। जैसा मैंने बताया कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच H2A, H2B एंड H3, सॉरी यहाँ पर मैंने H4 नहीं लिखा है, H4 भी है। तो ये फोर टाइप्स के आपके जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दो दो मॉलिक्यूल्स हर में। इसके अलावा डीएनए जो है वो 200 बेस पेयर्स आपका इन्वॉल्व है यहाँ पर। अब H1 मॉलिक्यूल एट द एंड में जो है H1 मॉलिक्यूल यहाँ पर अपीयर होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसोम जो है इसको नाम जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे पी आउटडेट। ओके, पी आउटडेट, तो ये नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि न्यूक्लियोसोम ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो पी आउटडेट। अब इसके अलावा हम देखेंगे डायामीटर जो होती है न्यूक्लियोसोम की, डाया, ठीक है, डाया समझ रहे हैं, डायामीटर जो होती है न्यूक्लियोसोम की ये कितनी होती है, दिस इज 12.5 नैनोमीटर। तो इतना आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे और हम नेक्स्ट जो लेक्चर इसमें बचा हुआ है न्यूक्लियोसोम में, और हमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसोम्स भी देखना है। ओके, अगर तो फिर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।